एक लेजेंड की जिन्होंने अपने डिजाइन लैंग्वेज से ट्वेल्व कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप एंड थर्टीन ड्राइवर चैंपियंस दिए हैं फॉर्मुला वन को एंड गाइज आज हम बात करने वाले हैं, हैं, हैं एड्रेन यू के बारे में वैसे गाइज एडरन नोई रेडबुल के साथ 2006 सिक्स से हैं तो उन्होंने काफ़ी लंबा टाइम स्पेंड किया है रेडबुल के साथ एंड ऑल्सो गाइज अगर देखा जाए तो लुइस हैमिल्टन ने भी मर्सिडीज़ के साथ काफ़ी लंबा टाइम स्पेंड किया था सो गाइज लुइस हैमिल्टन भी जैसे एक शॉकिंग स्विच दिया उन्होंने मीडिया को और हमको सो so गाइज ये भी हो सकता है एक बहुत बड़ा शॉकिंग स्विच एंड एनगाइज दो साल पहले एस्टन मार्टिन ने डैन फेलो को हायर किया था रेडबुल से ही अपने हेड ऑफ़ एरोडाइनमिक्स संभालने के लिए एंड एनगाइज डैन फेलो ने एड्रिन नोई के साथ काम किया हुआ है उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं तो गाइज़ ये भी हो सकता है कि हमको टू थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स में एक ग्रीन रेडबुल देखने को मिल सकती है ट्रैक पे क्या बोला तूने सो so गाइज़ आजकल बहुत हवा चल रही है फर्म वन में एड्रिनई के नेक्स्ट मूव के बारे में सो so गाइज आपको क्या लगता है सिक्सटी फाइव ईयर ओल्ड का नेक्स्ट मूव क्या होगा लेट मी नो यूर व्यूज इन दमेंट से न्यूज ये है की लॉरेंस ट्रोल ने एक बहुत मोटा पैकेज ऑफर किया है को, जो आज तक ओ, मेरे को कभी नहीं मिला ऑफिस में टाइम नजदीक है सो गाइज़ एड्रेन न्यू का जो कॉन्ट्रैक्ट है रेडबुल के साथ वो 2026 तक है एंड स्ट्रोल ने उनको अप्रोच किया है कि टू ज्वाइन हिज टीम एंड ऑल्सो गाइज जो एस्टर मार्टिन है अपना इंजन सप्लायर भी चेंज कर रही है 2026 में वो मर्सिडीज से होंडा पे शिफ्ट हो रहे हैं एंड उन्होंने इनको अप्रोच किया है एड्रेन न्यू को कि आ, उनका एरोडाइनमिक्स सम्भालें एंड ऑल्सो गाइज पास न्यूज़ ये भी थी कि लॉरेंस स्ट्रोल मैक्स को भी चाहते हैं साइन करना सो गाइज ये मूव बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि स्ट्रोल चाहते हैं कि उनका बेटा एक दिन वर्ल्ड चैम्पियन ज़रूर बनेगा एंड yeah! गाइस yeah! कुछ दिन पहले न्यूज़ यह भी थी कि फ़रारी ऑल्सो अप्रोच न्यू कि उनके टीम में ज्वाइन करें बट अभी वो कोई न्यूज़ नहीं है एंड गाइस पास्ट में भी ऐसा देखा गया है कि फरारी ने मल्टीपल टाइम्स एड्र को कांटेक्ट करना करने की कोशिश करी है बट ही डिनाइड एवरी टाइम

टोटो तो तो वुल्फ का भी रूमर्स ये हैं कि वो मैक्सटेपन को साइन करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं बहुत ट्राई कर रहे हैं एंड ही कि मैक्स मैक्सटेपन उनकी टीम में आ जाए तो गाइज़ ये भी हो सकता है कि एड्रिन न्यूई मर्सडीज भी ज्वाइन कर सकते हैं बार एन ग्रैंड पे में हमको कुछ आ, क्लिप्स दिखे थे कि जब टोटो तो तो वुल्फ बात कर रहे थे एड्रिन न्यूई के साथ तो माइड भी ये भी कुछ आ, नया आ सकता है फार्मूला वन में मर्सडीज टीम के पास ऑल्दो उनकी भी एरोडाइनमिक एफिशंसी बहुत खराब चल रही है कार की उनकी डिजाइन लैंग्वेज जब से ग्राउंड इफेक्ट एरा स्टार्ट हुआ है उनकी गाड़ी अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो मे बी उनके लिए भी बहुत अच्छा मूव हो सकता है बात करते हैं एड्रिय नोई पे so फार्मूला था नाइनटीन एटी वन में एंड ज्वाइन करते के साथ गाइज इन्होंने तहलका मचा दिया था तहलका एकदम सो so गाइज एडरन नोई के खाते में ट्वेल्व कंस्ट्रक्टर चैम्पियनशिप हैं तीन डिफरेंट टीम्स के साथ थर्टीन ड्राइवर चैंपियनशिप है उसमें से सेवन डिफरेंट ड्राइवर्स के साथ एंड गाइस कहा जाता है कि एड्रियन न्यूई एक ऐसे डिज़ाइनर हैं फार्मूला वन में जो अभी भी जो ड्राइंग है अपनी वो किसी टूल्स के साथ नहीं बनाते वो अपना हैंड का यूज़ करते हैं वो हाथ से ही सारी ड्राइंग करते हैं देन वो सी एफ डी इन सब में ट्राई करते हैं सो सो गाइस एड्रियन न्यूई एक लौते ऐसे डिज़ाइनर है फार्मूला वन में जो अभी भी चीजें जैसे आ, अर्ली एजेस में होती थी वैसे ही करते आ रहे हैं एंड गाइस ये सब करने के बावजूद भी हमको उनका वर्क पता है वो कैसे माइंड ब्लोइंग कार्ड्स देते हैं माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट देते हैं अभी जो आरबी का डिज़ाइन है पूरी इनकी डिज़ाइन है वो इनकी डिज़ाइन फिलासफ़ी है सो गाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइनर हैं ये सो so गाइज आपको क्या लगता है कि इनको किस टीम में जाना चाहिए या आपको लगता है कि इनको रेड बुल में ही रहना चाहिए सो गाइज़ प्लीज़ कमेंट योर व्यूज़ एंड गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय टेक केयर